नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश की रीवा में महिला थाना प्रभारी ने छात्राओं से की चर्चा। रीवा एसपी नवनीत बसी ने एवं एडिशनल एसपी नेल्सन करके आदेश पर जीडीसी के छात्राओं से महिला थाना प्रभारी निशा मिश्रा रूबरू होते हुए उनके समस्याओं को सुनाया। साथ ही महिला थाना प्रभारी ने छात्राओं से कॉलेज के आसपास और रास्ते में किसी भी प्रकार की परेशानी मंचलों से छेड़छाड़ की जानकारी ली। महिला थाना प्रभारी ने अपना नंबर छात्राओं को शेयर करते हुए स्पष्ट किया कि अगर किसी प्रकार की उन्हें कॉलेज परिसर आसपास या रास्ते में दिक्कत होती है तो उन्हें तुरंत जानकारी दें। और आपको बता दें कि मुख्यालय के द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत इन दिनों जिला पुलिस जहां शराबखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, वहीं लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस अधिकारी कॉलेज और स्कूलों में जा जाकर छात्र छात्राओं से रूबरू हो रहे हैं। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। ये बच्चियों की सुरक्षा को देखते हुए कॉलेज या स्कूल के आसपास के क्षेत्रों में जहां पान की गोमतियां हैं या ठेले लगे हैं या फोटोकॉपी वगैरह की दुकान रहती है, इनके आसपास कुछ लड़के खड़े होते हैं। अगर बच्चियों को इससे समस्या होती है, कई बार निकलती है तो छींटाकशी की जाती है, तो उनके आसपास अगर ऐसी संदिग्ध गतिविधियां या ऐसी कोई दुकान दिखती है तो उसको टारगेट रख के और उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसी में हम लोग आज ये जीडीसी कॉलेज आए हैं। बच्चियों से भी पूछताछ की गई है कि किसी को यहाँ आने जाने में कोई अनावश्यक परेशानी या कोई कमेंट्स या किसी के द्वारा कोई भी उनको रोक टोक की जा रही है छेड़खानी, तो उसी के कार्यक्रम में पुलिस हेल्पलाइन नंबर सभी बच्चियों को बताया गया है और इसको हम यहाँ पे चस्पा भी करवाएंगे ताकि सभी बच्चियों को हेल्पलाइन नंबर की जानकारी हो और वो अपनी समस्या बता सके। देखा जाता है जीडीसी और साईं मंदिर के बीच में कभी-कभी सभी बच्चियों से पूछा भी गया है और हम लोग टाइम आफ्टर टाइम यहाँ विजिट भी करते हैं। अभी तक ऐसी कोई शिकायत तो नहीं है सामने, अगर आती है तो कार्रवाई की जाएगी। हम लोग अभी उनको वॉच कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ समझ में आएगा तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। कई बार पान की दुकानों में लोग वहाँ नशे करते हुए खड़े रहते हैं, उसके एव्ज में भी बच्चियों को असुरक्षा महसूस होती है, तो अभी हम लोग बस इसमें काम कर रहे हैं।